सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MIUI 12.5 सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। इस वीक के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आपको MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली रिसीव हो चुका है। कुछ डिवाइस आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं और कुछ डिवाइस अंदर आपको ग्लोबल के अंदर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप लोग MIUI 12.5 का जो अपडेट है उसको यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। सो वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट देखते रहिए, वीडियो को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी डिवाइस के लिए कोई भी नया अपडेट आता है उसकी लिंक है, उसका न्यूज है, वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। सो इसको यहाँ पर जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हो टेलीग्राम पे आपको ग्रुप यहाँ पर देखने को मिलता है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लेटेस्ट लिंक वगैरह पाने के लिए लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर गाइज अगर हम बात करें फर्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Mi 10i। सो इसके अंदर आपको फाइनली 12.5.1.0 का इंडियन स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली देखने को मिल चुका है, जिसकी टोटल साइज आपको 919 MB की यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, उसकी भी जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, कौन कौन से फीचर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बात करें अगर हम सेकेंड डिवाइस के बारे में, सो वो आपको देखने को मिलता है Poco X3 Pro। सो फाइनली आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है 12.5.3.0 का IN, मतलब कि इंडियन स्टेबल यहाँ पर देखने को मिलता है। 830 MB की टोटल साइज है वो यहाँ पर फाइनली देखने को मिल जाती है और बहुत सारे यूजर हैं उनको ये अपडेट है वो अभी तक भी देखने को नहीं मिला है। सो थोड़ा यहाँ पर वेट कर लीजिए, 1 से 2 वीक के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर फिर से रोल आउट होगा। कोई भी यहाँ पर कन्फर्म डेट नहीं है, Xiaomi का अपडेट है, कभी भी यहाँ पर रिलीज हो सकता है। सो जब भी अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा मैं आपको स्क्रीन शॉट के साथ में यहाँ पर इन्फॉर्म कर दूंगा। सो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली अपने डिवाइस को यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। गाइज अगर बात करें सेकंड डिवाइस के बारे में, सो वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है Redmi Note 10T, और इसको आप लोग कह सकते हो Poco M3 Pro इंडियन स्टेबल 12.0.3.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और आप लोग डायरेक्टली OTA अप्लाई भी कर सकते हो 12.0.2.0 से। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो आपको देखने को मिलता है Redmi K20 Pro इंडिया MIUI 12.5 अपडेट। सो मैंने यहाँ पर इन्फॉर्म पहले आप लोगों को कर दिया था, यहाँ पर आप लोग टाइम भी देख सकते हो 10:26 AM, मतलब कि सुबह 10 बजे मैंने आप लोगों को यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था। सो जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। 12.5.1.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, 2.3 GB की टोटल साइज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और गाइज ये जो अपडेट है वो आपको इंडिया में देखने को मिलता है, जितने भी जो मैंने आपको फोन के बारे में अपडेट बताया है वो आपको ओनली इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। और वगैरह जो ग्लोबल है, चाइना है, वहां पर आपको बहुत सारे एक दिन के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप लोग चाहते हो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पर बता सकते हो। और दोस्तों इसकी लिंक है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, आप लोग डायरेक्टली यहाँ से OTA अप्लाई कर सकते हो। सो इसको यहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Redmi Note 8 Pro ग्लोबल स्टेबल। ये अपडेट आपको इंडिया में नहीं मिलता है, ग्लोबल में मिलता है, जो कि है Redmi Note 8 Pro, और इसकी टोटल साइज आपको 2.2 GB की यहाँ पर देखने को मिलती है। और 12.5.1.0 का वर्जन नंबर है वो यहाँ पर दिया गया है Xiaomi की ओर से। सो ये जो अपडेट है वो आपको ग्लोबल में देखने को मिलता है, इंडिया में आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। वही मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में एंड लास्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Redmi Note 7 Pro चाइना स्टेबल 12.5.1.0 का। बीच में यहाँ पर न्यूज आ रही थी और Xiaomi ने भी कंफर्म कर दिया था कि Redmi Note 7 जो सीरीज है इसके अंदर MIUI 12.5 का जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो फाइनली गुड न्यूज है वो यहाँ पर सामने निकल के आ चुकी है। Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7 और Redmi Note 7S तीनों जो डिवाइस हैं जो कि आपको Redmi Note 7 सीरीज के अंदर देखने को मिलते हैं, इनके अंदर आपको 12.5.1.0 का और इन दोनों डिवाइस के अंदर आपको 12.5.3.0 का अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। और 1 महीने बाद में ये जो अपडेट है आपको ग्लोबल में मिल जाएगा और उसके 1 हफ्ते बाद में आपको ये जो अपडेट है, सॉरी 1 हफ्ते नहीं, 2 से 3 हफ्ते बाद में इंडिया में आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो Redmi Note 7 सीरीज है वो भी यहाँ पर सिलेक्टेड हो चुकी है MIUI 12.5 सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए।
वही गाइज नेक्स्ट अपडेट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डिवाइस है मेरा इसके अंदर मुझे अपडेट है वो यहाँ पर रिसीव हो चुका है MIUI 12.5.3.0 का। सो अगर आप लोगों को MIUI 12.5 के फीचर्स के बारे में जानना है सो आपको इसकी लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप लोग जरूर से यहाँ पर देख सकते हो आपको कौन कौन से यहाँ पर फीचर है जो कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि नोट्स वाला आपको एक नया फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, और न्यू नोटिफिकेशन शेड है उसको आप लोग स्विच कर सकते हो कंट्रोल सेंटर से नोटिफिकेशन सेंटर। सो ये एक आपको कमाल का फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है MIUI 12.5 सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। और भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि 20 टाइम मोर रेंडरिंग पावर, मतलब कि फोन की जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। वहीं गाइज मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Redmi 9 इंडिया। सो आपको इंडियन स्टेबल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है 12.0.11.0। सो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली कर सकते हो, इनकी जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे नहीं मिलेगी क्योंकि ये वाले जो फोन है वो इंडिया में बहुत सारे यूजर है वो यहाँ पर यूज नहीं करते, जैसे कि Redmi 9 प्राइम जो डिवाइस है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Redmi 9A और Redmi 9AT। सो यूरोप में आपको अपडेट है वो यहाँ पर देखने मिलता है, जिसका बिल नंबर आपको 12.0.14.0 का यहां पर देखने को मिलता है। वहीं गाइज मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Mi 11 Ultra इंडियन स्टेबल, आपको 12.5.2.0 का अपडेट है वो यहाँ पर फाइनली देखने को मिल चुका है। सो मुझे नहीं लगता ये जो डिवाइस है वो बहुत से यूजर यहाँ पर यूज करते होंगे क्योंकि आपको Xiaomi का एक बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिव एक्सपेंसिव जो डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट डिवाइस के बारे में, सो वो है Redmi Note 10 S इंडियन स्टेबल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है 12.5.5.0 का, और आप लोग इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सभी अपडेट की जो लिंक है न्यूज है वो यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। मेरा चैनल नहीं है लेकिन जिनका भी है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मेरे पास अब बहुत सारे यूजर के कमेंट आते हैं कि Poco M3 इंडिया है उसके अंदर हमको नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पर कौन सा मिलेगा, कितने GB का मिलेगा और कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही लंबा यहाँ पर समय हो चुका है कोई भी नया अपडेट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। सो फाइनली यूरोप के अंदर आपको स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है, जिसका बिल नंबर आपको 12.0.10.0 का यहाँ पर देखने को मिलता है, और आने वाले 18 डेज के अंदर आपको ये जो अपडेट है वो इंडिया के अंदर भी कन्फर्मली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक और Xiaomi का फ्लेक्सिव डिवाइस आपको देखने को मिलता है Mi 11X इंडियन स्टेबल 12.5.2.0 का अपडेट है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको इतने ज़्यादा चेंजेज हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे यूजर के कमेंट आते हैं कि Poco M2 Pro इस डिवाइस के अंदर Android 11 का जो अपडेट है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यूजर है वो बहुत ही लंबे समय से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। Poco X3 Pro इसके अंदर तो खैर आपको पहले ही देखने को मिलता था, लेकिन Poco X3 डिवाइस के अंदर यहाँ पर अपडेट है वो यहाँ पर आ चुका है, और Redmi Note 9 Pro Max जो डिवाइस है इसके अंदर भी आज आपको सभी यूजर हैं उनके लिए अपडेट है वो यहाँ पर देखने को मिल चुका है। सो फाइनली आपको Poco M2 Pro डिवाइस के अंदर अपडेट है वो यहाँ पर कब तक देखने को मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पर वेट कीजिए, जुलाई के एंड से पहले पहले आपको ये जो अपडेट है वो यहाँ पर कन्फर्मली देखने को मिल जाएगा कुछ परसेंट यूजर के लिए। जी हाँ गाइज, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि पहले आपको अपडेट है वो पायलट यूजर के लिए मिलेगा, और बाद में आपको जो अपडेट है वो फुल्ली यहाँ पर रोल आउट हो जाएगा, उसकी लिंक अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सो इसको यहाँ पर जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।